हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग नागपुर के लिए निकल रहे हैं अपने रिश्तेदार की शादी में, तो चलिए रास्ते में मैं आपसे मिलूंगी और वहाँ पहुँच के भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का आपका दिन शुभ मंगलमय, आनंददायक और स्वास्थ्यवर्धक बीते, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो आज 30 अक्टूबर है, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आज हम लोग को नागपुर जाना है एक रिश्तेदार की शादी में। तो हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग अभी बैतूल में हैं, तो बैतूल में हम लोग अभी चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ से अब 3 घंटे का रास्ता और है, तो 3 घंटे के रन पे फिर हम लोग नागपुर पहुँच जाएंगे। और शादी आज की ही है, तो जल्दी जल्दी तैयार होकर हम लोग शादी में शामिल होंगे। शादी मुरेड रोड पे है, तो नागपुर में यहाँ मेरी सिस्टर का घर है, मेरी छोटी बहन यहाँ रहती है, लेकिन मेरी छोटी बहन अभी यहाँ नहीं है, नागपुर में नहीं है, वो दुबई में है। तो दुबई में वो मणिपाल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर है, तो वहाँ वो जॉब कर रही है। तो वो तो दुबई में ही है, लेकिन उनके हस्बैंड और उसका बेटा वो यहाँ पर आया हुआ है। बेटा उसका नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में स्टडी कर रहा है, तो एस्ट्रोनॉमी से BSc उसका हो गया है और ग्रेजुएशन हो गया है उसका। तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसको सितंबर में उसको ज्वाइन करना है नेक्स्ट सेशन में, तो वो जर्मनी से उसको करना है उस ग्रेजुएशन। तो वो जर्मन लैंग्वेज, वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी रहता है हम लोगों को, तो वो लोकल लैंग्वेज जर्मनी सीखने के लिए ऑनलाइन उसने क्लास ज्वाइन किया है, तो इसलिए वो नागपुर में ही है। तो हम लोग को इसलिए हम लोग जा रहे हैं कि उससे भी मिलना हो जाएगा, नहीं तो वो निकल जाएगा यहाँ से नागपुर से, फिर वो नीदरलैंड के लिए चला जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो शादी भी अटेंड कर लेंगे और उससे भी मिलना हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग नागपुर जा रहे हैं। तो हम लोग भी शादी अटेंड कर लेंगे और मोनू से मिल के, और फिर हम लोग एक दो दिन रुक के वहाँ से फिर हम 1 तारीख को शायद निकल जाएंगे, तो ऐसी प्लानिंग है। तो चलिए नागपुर पहुँच के हम लोग मिलते हैं। थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं रहेगी। ऊपर ले जाना खुशी, ये वाले रूम में ले जाना, सिंपल आ जाए। हम लोग पहुंच गए हैं नागपुर और मेरी सिस्टर के घर पे पहुंच गए हम लोग, अब तैयार हो रहे हैं शादी के लिए। चलो अब तैयार हो गए, चलते हैं शादी में। भैया आप बहुत परेशान कर, हम लोग शादी हॉल में पहुंच गए हैं। अंदर जा रहे हैं। वैसे आएगा।
करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद शादी तो खत्म हो गई है, हम लोग जा रहे हैं और मेरी छोटी सिस्टर के घर अब जाएंगे और रात में आराम करके और कल फिर सुबह मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल फिर मिलते हैं और आगे अब अगले वीडियो में मिलेंगे अपन लोग बहुत जल्द। तो तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय। यहाँ से हम लोगों ने कपड़े खरीदे, खुशी रुशी और मेरे लिए मेरी सिस्टर के हस्बैंड, उन्होंने कपड़े खरीदे और मैंने भी मोनू के लिए कुछ ड्रेस लिया। अभी हम लोग बैतूल तक पहुँचे हैं और 6 बजे तक हम लोग भोपाल पहुँच जाएंगे। हम लोग ढाबे में खाना खा लिए, खाना हो चुका है, निकलते हैं। फाइनली हम लोग नागपुर से भोपाल वापस आ गए हैं। शादी कल थी और शादी बहुत अच्छी हुई और बहुत मज़ा आया। और मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ पे रुके हुए थे नागपुर में, उनके घर में भी कल रात में रुके थे और आज सुबह 12 बजे के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। तो मेरी छोटी सिस्टर तो यहाँ नहीं है, दुबई में है और उनके हस्बैंड ने हम लोगों को बहुत ड्रेस, बच्चों को भी कपड़े लेकर दिए, हम लोगों को सबको चारों को गिफ्ट दिया और हमने उनके बेटे को भी गिफ्ट दिया। तो इस तरह से हुआ और इस तरह से आज का दिन बीता। वहाँ से 12 बजे निकल गए थे हम लोग और अब 7:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे यहाँ भोपाल वापस। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत यादगार ये शादी रहेगी और यादगार ये जर्नी भी रहेगी हम लोगों के लिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं केसी पांडे जी के जब रिटायरमेंट हुआ था उनका 31 अक्टूबर 2022 को, तो मैं आउट ऑफ टाउन थी, मैं नागपुर गई थी, मुझे शादी में जाना था मेरे एक रिश्तेदार की, तो हम लोग नागपुर गए हुए थे और मैं नागपुर से बार बार मैं ऑफिस में के नरेंद्र पांडे जी को फ़ोन करके बोल रही थी कि मैं केसी पांडे जी की रिटायरमेंट की फेयरवेल पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊँगी, मुझे इसका बहुत खेद है, मुझे बहुत अफसोस है। तो और उनको ये बोला भी था मैंने कि वीडियो और फ़ोटो ज़रूर बना के रखिएगा और मुझे चाहिए होगा मेरे व्लॉग के लिए, लेकिन वीडियो और फ़ोटो मुझे बहुत लेट मिले और इस वजह से भी मैं वो वाला व्लॉग मैं पोस्ट नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई। तो मैं अभी मैं ये वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ केसी पांडे जी के बारे में, केसी पांडे जी के रिटायरमेंट पार्टी का। और पांडे जी के बारे में मैं क्या कहूँ, पांडे जी बहुत मृदुभाषी और बहुत सॉफ्ट नेचर है उनका और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है उनका और उनको देखकर भी मैंने काम सीखा है बहुत। और मैं बहुत गुड विशेस देना चाहती हूँ पांडे जी को और पांडे जी के परिवार को, सबको, कि सब लोग बहुत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट।